नमस्कार, योगा माय लाइफ पर आप सबका स्वागत है। हमारा जो माइंड है ना, उसके अंदर अद्भुत शक्तियां विराजमान हैं। इस प्रकार की अद्भुत शक्तियां विराजमान हैं कि आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। और अक्सर हम जिंदगी में लड़ने के लिए अपना जीवन बिताते रहते हैं, यानी कि जिंदगी के साथ लड़ते रहते हैं। हम अपने माइंड की शक्तियों को समझ ही नहीं पाते कि हमारी जो भी इच्छा हो, किसी भी प्रकार की एक इच्छा हो या बहुत सारी इच्छाएं हो, हमारा माइंड जो है वो हर इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है। अगर हम अपने माइंड की शक्तियों को समझ लें तो कोई भी इच्छा हो उसको पूर्ण करने में हमारा माइंड 100% सक्षम है ही। यूं अगर मैं कहूं कि हमारे माइंड के लिए कोई भी शक्ति को, किसी भी इच्छा को, किसी भी शक्ति को जागृत करने में, किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में 100% महारत हासिल है। और ये सब चीज़ें जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे माइंड के लिए तुच्छ चीज़ें हैं। हमारे माइंड के अंदर तो इससे भी कई हजार गुना अपार शक्तियां भरी पड़ी हैं कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि सभी माइंड जुड़े हुए हैं। अगर हम माइंड और प्रकृति की रिलेशनशिप को समझ लें, हालांकि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, प्रकृति, माइंड, मन, यानी कि वो हो सकता है कि आज के युग के लोगों को लग रहा हो कि ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य की कसौटी पर 100% साबित हो चुका है। भारत में इस तरह के बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने मन को साधकर उससे वो काम करवाए हैं जो पॉसिबल ही नहीं थे। खाली भारत की बात नहीं है, दूसरे धर्मों के, दूसरे देशों के संतों ने भी इस प्रकार के चमत्कार किए हैं। हमारी समस्या पता है क्या है? हम माइंड को ना एक लिमिटेड रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि हमारा माइंड ऐसा कैसे कर लेगा, हमारा माइंड चमत्कार कैसे कर सकता है, या किसी दूसरे के माइंड को भी हम लिमिटेड रूप में देखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हो सकता है, एकाग्रता नाम की शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है। पल भर में बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ा जा सकता है। अपनी एकाग्रता की शक्ति से आने वाली किसी भी मुसीबत का पता लगाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन पता लगाया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, आगामी कर्म जो हैं वो, ऐसा नहीं कि हम हर कर्म को बदल सकते हैं, हम सृष्टि के नियम को बदल सकते हैं, लेकिन हम उसकी जो इफेक्ट है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं, अगर हमें पहले पता चल जाए कि आने वाले समय में मेरे साथ ये होने वाला है। क्योंकि एकाग्रता जब पैदा होगी ना, तो वो कर्म योग से पैदा होगी। कर्म योग जो है ना, वो आपके जो आने वाले कर्म हैं या जो भी आपने बैड कर्म किए हैं उनको वो ज्ञान नाम की अग्नि के द्वारा भस्म भी कर देता है। इस बात को भी ख्याल रखिएगा, ये श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मैं नहीं कह रहा। तो मन के अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो एकाग्रता से हासिल होती है। तो सबसे पहली शक्ति जो हासिल करनी है वो कौन सी हुई? एकाग्रता। अगर मेरे पास एकाग्रता नहीं है तो फिर किसी भी शक्ति का कोई मूल्य है ही नहीं, क्योंकि शक्ति नाम की चीज ही पैदा नहीं होगी। आज मैं आपके साथ ये बातें कर रहा हूँ केवल और केवल एकाग्रता के कारण कर रहा हूँ। एकाग्रता अगर मेरे पास ना होती तो मैं आपसे ये बातें कर ही ना पाता, क्योंकि मैं खुद ही विश्वास ना करता तो आपसे मैं किस तरीके से वो बात करता या आपको किस तरीके से अपने अनुभव बताता। एकाग्रता जब विकसित होती है तो बहुत सारी चीज़ों का खुद खुद पता लगने लग जाता है आपको। ये एक समय रहेगा इसका भी, यानी कि पहले कुछ सेकंड पहले पता चलेगा, फिर वो सेकंड बढ़ेंगे, फिर वो मिनट में बदलेंगे। हालांकि ये एक यौगिक बात है और महान योगियों की बातें हैं, मुझे बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको डिस्क्लोज करने से उसके रिजल्ट जो है वो अफेक्टेड होते हैं, यानी कि गुरु और शिष्य के संबंध की बात है। तो मुझे जो सीधे तौर पे जो मेरे शिष्य जुड़े हुए हैं उनको ही बतानी चाहिए। लेकिन चलिए, बात यह है कि एकाग्रता जब हासिल होगी तो अलग अलग प्रकार की चेंजेस होंगे माइंड के अंदर, आपके फेस के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ के अंदर जो है बदलाव आएंगे जब आपके अंदर एकाग्रता नाम की शक्ति विकसित होगी। और फिर मन की जो शक्तियाँ हैं वो पैदा होनी शुरू होंगी। निश्चित तौर पे मन शक्तिशाली है, निश्चित तौर पे मन के अंदर शक्तियां हैं, निश्चित तौर पे उनको पैदा किया जा सकता है, रीडिस्कवर किया जा सकता है, ऑलरेडी हैं, उनको
रीडिस्कवरी इनकी की जा सकती है, रिसर्च की जा सकती है और उसका फ़ायदा ना केवल खुद को पूरी पूरी जो मानव जाति है उनको पहुंचाया जा सकता है। और जब हम ये सोच के ही उस पर काम करेंगे कि हमें पूरी मानव जाति को इसका फ़ायदा पहुंचाना है तो ही वो शक्तियाँ हमारे पास चल के आएंगी। अगर हमने उनका बैड यूज़ कर लिया तो वो फिर हमारा भी विनाश कर देंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।